वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ एंटीवायरस। एंटीवायरस चैप्टर में हमने देखा था जो वायरसेस जो है हमारे कंप्यूटर को, हमारे मोबाइल को कितना अफेक्ट करते हैं, हमारा डेटा डिलीट हो सकता है उससे एंटीवायरस हुए तो, हमारे जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसी और के पास जा सकती है वायरस थ्रू, इम्पोर्टेड जो आपकी प्रोटेक्शन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होते हैं जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड्स नंबर है, आपके एटीएम नंबर्स है, इस तरह से किसी और के पास जा सकते हैं। फिर आपका जो डेटा है वो भी सेफ नहीं रहता है विदाउट एंटीवायरस। अब फायरवॉल, अब फायरवॉल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मेनी बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट्स देयर इंटरनेट नेटवर्क्स यूजिंग हार्डवेयर फायरवॉल। फायरवॉल जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होता है। बहुत सारे बिजनेस में एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो है अपने इंटरनल नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्डवेयर फायरवॉल हार्डवेयर का यूज़ करते हैं। और सिंगल और डबल फायरवॉल में भी यूज टू क्रिएट अ डीमिलिटराइज जोन DMZ which prevents interstate data from ever searching the LAN। इस ये जो सिंगल वॉल या डबल वॉल फायरवॉल है वो हमारा डेटा जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। सॉफ्टवेयर फायरवॉल आर मोर कॉमन फॉर इंडिविजुअल यूज़र एंड कैन बी कस्टम कॉन्फिगर वाया अ सॉफ्टवेयर इंटरफेस। सॉफ्टवेयर फायरवॉल आर मोर कॉमन फॉर इंडिविजुअल यूजर एंड कैन बी कस्टम कॉन्फिगर्ड वाया अ सॉफ्टवेयर इंटरफेस। बोथ विंडो एंड OS X इंक्लूड बिल्ट इन फायरवॉल, बट मोर एडवांस्ड फायरवॉल यूटिलिटीज कैन बी इंस्टॉल्ड विथ इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। ये जो है फायरवॉल ये मोस्ट कॉमन है, ये इंडिविजुअल अगर आपको यूज़ करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करना है तो भी आप ये फायरवॉल यूज़ कर सकते हैं। इस ये कोई कोई विंडो एंड OS प्रोग्राम में जो इनबिल्ट होती है या फिर आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। देन टाइप्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस के टाइप्स देखते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट लिस्टेड बिलो। मार्केट में 3 टाइप्स के वायरस एंटीवायरस अवेलेबल है, पेड एंटीवायरस, फ्री एंटीवायरस, पेड एंड फ्री बोथ अवेलेबल। एक पेड एंटीवायरस, दूसरा फ्री, तीसरा पेड एंड फ्री। वी आर गोइंग टू सी ऑल द टाइप्स ऑफ एंटीवायरसेस गिवन बिलो। फर्स्ट देखते हैं पेड एंटीवायरस। Paid antivirus is the antivirus software which is provided by specific company or organization. Paid antivirus जो है ऐसा antivirus है जो specific company और organization ही provide करता है। It is provided to only authorization, sorry, it is provided to only authorized user after purchasing it. इसमें only authorized लोग ही ये provide करते हैं। इट प्रोवाइड टू नहीं ऑथराइज लोगों को ही ये प्रोवाइड होता है ये वाला एंटीवायरस। इफ़ वी वॉन्ट टू यूज़ दिस काइंड ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वी हैव टू परचेस इट बाय पेइंग फिक्स्ड अमाउंट। अगर आपको ये एंटीवायरस चाहिए तो आपको पे करना पड़ता है, एक स्पेशल अमाउंट आपको, फिक्स अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है तो आप इस सॉफ्टवेयर को, इस एंटीवायरस को परचेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल पेट्रोल, K7 एंटीवायरस, ई स्कैन एंटीवायरस, कोमोडो एंटीवायरस, आर वेब एंटीवायरस। ये जो एंटीवायरस होते हैं डिजिटल, K7, ई स्कैन, कोमोड एंड आर वेब, ये जो एंटीवायरस है इसकी फिक्स अमाउंट है जो पेड करके आप इसको परचेस कर सकते हैं। क्विक हिल वॉज फाउंडेड इन 1993 एज कैट प्रोग्राम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एंड फर्स्ट ब्रांच वॉज ओपन एट नासिक इन 2003। क्विक हिल एंटीवायरस सबने सुना होगा, ये कब फाउंडेड हुआ, 1993 में बना है और कैट कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है उन्होंने, ये जो कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, ब्रांच वाज ओपन इन नासिक इन 2003 जिन्होंने क्विक हिल बनाया। पेड एंटीवायरस हो गया। अब फ्री एंटीवायरस। फ्री एंटीवायरस इज द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विच इज़ प्रोवाइडेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन टू यूज़ फ्रीली फॉर यूज़र।
फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड बाय कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड किया है, जो फ्रीली यूजर्स फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। इट डज़ नॉट टेक एनी काइंड ऑफ अमाउंट फ्रॉम यूजर्स एंड प्रोवाइड इट टू ऑल विदाउट पेइंग एनी चार्जेस। ये जो है यूज़र फ्रीली ले सकता है और विदाउट कुछ भी पे करे वगैरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, क्लाम एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी इसेंशियल, माई फ्री एंटीवायरस। जब काम माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी इसेंशियल एंड माई फ्री एंटीवायरस जो है आपको फ्रीली अवेलेबल होते हैं, उसके लिए आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ता है। थ्री, पेड एंड फ्री बोथ अवेलेबल। पेड एंड फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज द वन काइंड ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विच हैज़ बोथ फंक्शनलिटी ऑफ फ्री एंड पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। पेड एंड फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसे इस टाइप का है कि जिसको आप फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें दोनों फंक्शन होते हैं, आप उसको फ्री भी यूज़ कर सकते हो और पेड भी कर सकते हो उसका। वो किस तरह से? इट मीन्स दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड बाय द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फिक्स टाइम पीरियड फ्रीली टू द यूजर्स एज ट्रायल वर्जन। इसमें क्या होता है, जो ये सॉफ्टवेयर जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये लोग कंपनी उनकी एक लिमिटेड पीरियड के लिए फ्री में देती है, जिसका फिक्स पीरियड होता है जैसे 1 ईयर 6 मंथ ऐसे, और उसके बाद जब ट्रायल पीरियड फिनिश हो जाता है तो आपको वो चीज़ परचेस करनी पड़ती है। देन यूज़र हैव टू पे द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द फुल वर्शन, अदरवाइज द ट्रायल वर्शन इज बीइंग स्टॉप्ड और डिजेबल। जब ट्रायल पीरियड फिनिश हो जाएगा तो फिर वो जो आपको दे रहे थे वो उसकी मतलब आपको जो वर्जन दे रहे थे फ्री में, उसकी ट्रायल पीरियड फिनिश होने के बाद वो स्टॉप कर देते हैं, फिर आपको दूसरे उसको परचेस ही करना पड़ता है, क्योंकि ट्रायल पीरियड फिनिश हो गया तो उन वो टाइम मतलब फ्री टाइम, और फिर आपको पेड करना पड़ता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अवायरा एंटीवायरस, अवस्त एंटीवायरस, AVG एंटीवायरस, इम्यूनेट प्रोटेक्ट। ये जो वायरसेस है जो ये फ्री एंड पेड है, पहले ट्रायल पीरियड देते हैं उसके बाद आपको इसको परचेस करना होता है। देन इंस्टॉलेशन प्रोसेस, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं? देयर आर मेनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट विच यूज फॉर रिमूविंग वायरस फ्रॉम योर कंप्यूटर। मार्केट में बहुत सारे टाइप के एंटीवायरस अवेलेबल है, और एंटीवायरस का यूज़ किस लिए होता है? आपके मोबाइल में, आपके PC में, कंप्यूटर में जो भी वायरस है उसको रिमूव करने के लिए। बट इट नेसेसरी टू परचेस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू मूव ऑल वायरसेस फ्रॉम कंप्यूटर, बिकॉज ट्रायल वर्जन कैन नॉट रिमूव ऑल वायरस फ्रॉम कंप्यूटर और डिवाइस। पर ये ज़रूरी है कि आप जो एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं तो एनी टाइप ऑफ वायरस आपके कंप्यूटर में हो उसको रिमूव करें, जो कि ट्रायल वर्जन जो सॉफ्टवेयर देते हैं ट्रायल वाला एंटीवायरस, उसमें ये नहीं होता है, उसमें सभी टाइप के वायरस है जो है वो रिमूव नहीं होते हैं। हियर वी कैन सी हाउ टू इंस्टॉल अवस्त एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। तो इस तरह से आपको कौन सा करना है इंस्टॉल, आपको यहाँ पे बताया है, जिसका ट्रायल पीरियड हो ऐसे वाले नहीं करने हैं, वो क्या होते हैं, उससे पूरे वायरस नहीं रिमूव होते। ऐसे ये एंटीवायरस यूज़ करो जिससे आपके कंप्यूटर क्लीन हो, आपको हार्म भी नहीं हो, आपके फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ना कंप्यूटर करप्ट हो। इस तरह से का एंटीवायरस आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है, अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट, फिल अप द सर्कल ऑफ राइट ऑप्शन विच ब्लैक पेन। ब्लैक पेन से आपको सर्कल करना है, अभी तक किया है वैसे। बाय विच कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी अफेक्टेड, वायरसेस, एंटीवायरसेस और बोथ। कंप्यूटर प्रोग्राम को कौन अफेक्ट करता है? तो वायरसेस अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमने ब्लैक पेन से यहाँ पे डार्क किया है। देन सेकेंड है, विच यूटिलिटी इज़ यूज टू रिमूव वायरसेस फ्रॉम कंप्यूटर। कंप्यूटर में से वायरसेस रिमूव करने के लिए क्या यूज़ होता है? एंटीवायरसेस, वायरसेस के फायरवॉल। तो एंटीवायरस जो है हमारे कंप्यूटर से वायरस रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। व्हेन एंटीवायरस प्रोग्राम डिटेक्ट एनी फाइल अफेक्टेड विथ वायरस, इट इज़ यूज रियल टाइम प्रोटेक्शन, बूट टाइम प्रोटेक्शन के स्कैनिंग। तो रियल टाइम प्रोटेक्शन। बाय विच फायरवॉल कैन बी क्रिएटेड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बोथ। फायरवॉल क्या क्रिएट करता है? तो बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देन हाउ मेनी फायरवॉल्स इज यूज टू क्रिएट डीमिलिटराइज्ड जोन, सिंगल, डबल और बोथ। तो बोथ, सिंगल भी और डबल भी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीवायरस अवेलेबल इन द मार्केट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंटीवायरसेस अवेलेबल इन द मार्केट। देन
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेड एंटीवायरस? एवीजी, अवस, ई स्कैन। पेड जो है वो है ई स्कैन, तो यहाँ पे हमने ई स्कैन पे टिक किया। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री एंटीवायरस? फ्री एंटीवायरस कौन सा है? तो फ्री एंटीवायरस है इसका अवस्ट, काम, ई स्कैन, अवस्ट या क्लैम। क्लैम इज द फ्री एंटीवायरस, तो यहाँ पे सर्कल करना है। देन विच प्रोसेस इज नेसेसरी बिफोर यूजिंग एनी एंटीवायरस प्रोग्राम? एंटीवायरस प्रोग्राम आपको यूज़ करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो तो ही आप यूज़ कर सकते हैं, तो पहले आएगा इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पे हमने इंस्टॉलेशन पे सर्कल किया। क्वेश्चन टू, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे फिल करने हैं। अ कंप्यूटर वायरस इज अ स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तो यहाँ पे क्या आएगा, वायरस, जो कि ऊपर हमें दिया हुआ है। देन अ कंप्यूटर वायरस माइट करप्ट और डिलीट डेटा ऑन द कंप्यूटर। वायरस कंप्यूटर में हो तो हमारा डेटा डिलीट और करप्ट होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ यूटिलिटी यूज फॉर स्कैनिंग एंड रिमूविंग वायरसेस। एंटीवायरस से हमारे कंप्यूटर में जो भी वायरस होते हैं उसको रिमूव और स्कैन करता है। देन फोर, एंटीवायरस कैन डिलीट वायरसेस ऑन द स्पॉट और मूव इट टू अ स्पेशल क्वारंटाइन फोल्डर। एंटीवायरस जो है वो वायरसेस को रिमूव करते हैं या फिर एक क्वारंटाइन में फोल्डर में उसको मूव करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, एंटीवायरस अवेलेबल थ्री टाइप्स ऑफ। अ फायरवॉल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फायरवॉल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देन नेक्स्ट है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। वन, वायरस आर स्मॉल प्रोग्राम्स और कोड्स विच अफेक्ट्स टू द कंप्यूटर इन्वायरमेंट एंड हार्म द सिस्टम, तो इट्स ट्रू। कंप्यूटर वायरस जो है हमारे कंप्यूटर को हार्म करता है। सिंगल और डबल फायरवॉल में बी यूज टू क्रिएट अ डीमिलिटराइज्ड जोन, यस ट्रू। देन फ्री एंटीवायरस इज द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विच इज़ प्रोवाइडेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन बाय पेइंग सम फिक्स अमाउंट फॉर इट, इट्स फॉल। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट, फॉल्स, थ्री टाइप्स होते हैं। सॉफ्टवेयर फायरवॉल आर नॉट यूजफुल फॉर इंडिविजुअल यूज़र, फॉल्स। सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो है इंडिविजुअल यूज़र भी यूज़ कर सकता है। मैच द फॉलोइंग, पेड एंटीवायरस K7 एंटीवायरस है, फ्री एंटीवायरस कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी इसेंशियल। देन पेड फ्री एंटीवायरस अवायरा एंटीवायरस जो है फ्री एंड पेड वाला है। देन फायरवॉल क्रिएटेड बाय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, एंड वायरसेस इज द स्मॉल प्रोग्राम और कोड, तो ये आपको इस तरह से मैचिंग करना है। फिर आता है आपके लिए जो पार्ट आता है वो है ब्रेन ट्विस्टर। आपको यहाँ पे इमेज आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, देन ये एंड ये सभी इमेजेस के आपको यहाँ पे नेम लिखने हैं। एंड ब्रेन ट्विस्टर में दूसरा पोर्शन आता है डिफाइन द टर्म्स। जैसे वायरस है उसको आपको डिफाइन करना है, देन एंटीवायरस है उसको डिफाइन करना है, एंड थर्ड इज़ द फायरवॉल, फायरवॉल को आपको डिफाइन करना है। तो फायरवॉल, एंटीवायरस एंड वायरस, ये तीनों चीज़ों को आप ये करेंगे, डिफाइन करेंगे, और पीछे जो दिया है वो एंटीवायरसेस के नाम आप लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर।